अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि दो दफ़ा के चैंपियन वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप 2022 जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है उससे बाहर हो चुकी है। आज बहुत ही बड़ा डिजास्टर देखने में आया कि वेस्ट इंडीज़ को आयरलैंड के हाथों बहुत ही बुरी शिकस्त हुई। अपने राउंड के मैच में क्वालिफाई राउंड जो मैच वो खेल रहे थे उसमें वेस्ट इंडीज़ को बहुत ही बुरी शिकस्त हुई। बहुत ही छोटा टोटल दिया उन्होंने आयरलैंड को और आयरलैंड ने वो टोटल तीन विकेट के नुकसान पे बआसानी पूरा कर दिया। आयरलैंड की तरफ से बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बैटिंग और सबसे अच्छी चीज़ जो देखने में मिली आयरलैंड की तरफ से बहुत ही अच्छी फील्डिंग देखने को मिली, जो जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ को इस मैच में शिकस्त हुई। आपको हर बंदे को पता है कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो उस टीम के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो टीम कभी भी कम बैक कर सकती है, लेकिन इस मरतबा बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर हुआ कि वेस्ट इंडीज़ जो है वो ICC का जो इवेंट है वर्ल्ड कप का उससे बाहर हो गई। बहुत ही बड़े ये क्रिकेट की तारीख का मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर हुआ है कि क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम दो दफ़ा चैम्पियन बन चुकी है वर्ल्ड कप की। जो टीम दो दफ़ा वर्ल्ड कप चैम्पियन बने और वो टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए तो बहुत अजीब बात है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया कि उनके जितने भी प्लेयर हैं वो लीग्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। लीग्स खेलने की वजह से ये है कि वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर हैं वो ये है कि अपनी टीम को बहुत कम टाइम देते हैं। इस वजह से ये है कि उनका जितना भी टैलेंट है, न्यू टैलेंट जो आता है वो ये है कि उसको टाइम चाहिए होता है परफॉर्म करने के लिए, तो उनको उन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, उनकी टीम में बहुत ज़्यादा चेंजिंग होती रहती हैं, रेगुलर खेलने वाले खिलाड़ी टीम को टाइम नहीं देते हैं। इस वजह से ये है कि वेस्ट इंडीज़ को यह है कि बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर हुआ। और कमेंटेटर डिस्कस में सुन रहा था कि कमेंटेटर भी कह रहे थे इस मरतबा ये है कि वर्ल्ड कप में एक जो टीम थी जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलटने वाली टीम थी वो टीम इस मरतबा वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, तो बहुत कुछ अजीब फील हो रहा है। कमेंटेटर डिस्कस भी कुछ ऐसा ही था। और क्या कह सकते हैं जी, चले आपको बताते हैं जो आज का जो उनका मैच हुआ उसका जो स्कोर कार्ड है उसके मतलब हम आपको आगाह करते हैं कि क्या क्या मेन परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से और क्या क्या आयरलैंड की तरफ से परफॉर्मेंस थी। वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग की, वेस्ट इंडीज़ ने 146 रन का टारगेट दिया 5 विकेट के नुकसान पर। ब्रेंडन किंग ने 62 रन की इनिंग्स खेली, जॉनसन चार्ल्स ने 24 रन की इनिंग्स खेली और ऑर्डन स्मिथ ने 19 रन की इनिंग्स खेली। जो मेन परफॉर्मेंस रही वेस्ट इंडीज़ की तरफ से सही यही थी। इसके बाद जब आयरलैंड ने बैटिंग स्टार्ट की तो बहुत ही ज्यादा रन स्टार्ट उन्होंने किया। पॉल स्टेनिंग ने 48 बार पे 66 रन की इनिंग्स खेली और ट्रैक करते थे उन्होंने 35 बार पे 45 रन की इनिंग्स खेली और उनके एड्रो थे उन्होंने 23 बार पे 37 रन की इनिंग्स खेली। बासानी ने यह टोटल 1 विकेट के नुकसान पर 150 रन का बासानी पूरा कर लिया 17.3 ओवर में। अकील हुसैन ने 1 विकेट आ सकी और किसी भी प्लेयर की कोई अच्छी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। ये थी मेन परफॉर्मेंस और वेस्ट इंडीज़ बाहर हो गया जी। और वेस्ट इंडीज़ जो बाहर हुआ है बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर हुआ है। बनाने का मकसद, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अपने दोस्तों के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।